दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर जीव जंतु एवं पक्षियों की अनेकों प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को आज भी सही जानकारियां नहीं हैं। इसलिए इन जानवरों को हमेशा ही इंसानों की क्रूरता का शिकार होना पड़ता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक जानवर बीजू के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में इंसानों के बीच में सदियों से सैकड़ों गलतफहमियां मौजूद हैं। दोस्तों, बीजू को ग्रामीण क्षेत्रों में कब्र बीजू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जानवर जमीन में दफन किए गए मुर्दों को खोदकर खा जाता है। ये बात सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि बहुत से वीडियो में बताया गया है कि ये मुर्दों को नहीं खाता है, लेकिन मैं इस बात का खंडन करता हूँ। बीजू एक मांसाहारी जानवर होता है जो चूहे व अन्य छोटे छोटे जीवों को खाता है। ये मरे हुए जानवरों को भी खाता है और मुर्दों को भी खा जाता है। बीजू एक शर्मीला जानवर होता है जो दिन में छिपा रहता है और रात को ही ज़्यादातर भोजन की तलाश में बाहर निकलता है। ये जानवर पेड़ों पर आसानी से चढ़ने में माहिर होता है, इसलिए ये बड़े बड़े और पुराने पेड़ों पर बने बिलों में रहता है। ये एक स्तनधारी जीव होता है जो बच्चे पैदा करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मांस पर ही निर्भर रहता है, ये फल फूल भी बड़े चाव से खाता है। बिल्ली और नेवले जैसा दिखने वाला ये जीव जंगल बाग बगीचे से लेकर खेत खलिहानों तक पाया जाता है। बहुत से इलाकों में इसे बिज्जू भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेल्लिवोरा कैपिसिंस है। इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका अवैध शिकार करके कुछ लोग इसे खाते भी हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। ये जानवर अगर दिन में दिख जाते हैं तो आवारा कुत्ते इन्हें मार डालते हैं। अगर इंसानी बस्तियों में दिख जाएं तो डर के मारे इंसान इन्हें मार देते हैं। तांत्रिक लोग इनके बाल और नाखूनों का उपयोग तंत्र मंत्र में भी करते हैं, इसलिए इन्हें चारों तरफ से खतरा ही रहता है। सच्चाई यही है कि ये निर्दोष जानवर इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। न झपट्टा मारकर किसी को नोचता है, न ही नवजात शिशुओं को उठाकर ले जाता है। ये केवल कहानियां और अंधविश्वास है, इसलिए यदि आप इसे अपने आसपास देखें तो डरने की कोई बात नहीं है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बिज्जू एक संरक्षित प्राणी है। इसको मारना कानूनी अपराध है। आशा करता हूँ कि इस प्राणी को लेकर आपके मन में जो भी डर और शंका रही होगी अब पूरी तरह से समाप्त हो गई होगी। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।